I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. भाई सेवाराम जी, हमार बिटिया साक्षात लक्ष्मी है। आपकी ऐसी सेवा करेगी कि आप भूल जाएंगे आपके घर बिटिया नहीं जन्मी। अब हम ज्यादा क्या तारीफ करें, खुदा ही देख लो। अरे बिटिया सुनाओ। भाई सेवाराम जी, ये है हमार बिटिया। अरे बेटी तनी अपना नाम तो बताओ। चंदो। अरे सेवाराम जी, ऐसे कैसे जा रहे? जरा जरा मेरी बात सुनिए। अरे नहीं बाबा, नहीं। देखनी नहीं आया तेरे को? तेरी चिट्ठिया देख के तो बेहोश हो जाएगा। भाग जा, शैतान कहेंगे। अरे ओ मौसी, आज अकेली आ गई तालाब पे। तुम्हारी बेटी जमुना कहाँ गई? वो तो अपने ससुराल चली गई। अरे ससुराल चली गई तो मुझे बुला लेना था। हटो, मैं धो देती हूँ। नहीं बेटी, मैं धो लेती हूँ। हटो ना मौसी। भगवान तेरा भला करे, तुझे अच्छा सा दूल्हा मिले। वो मेरे भाग में नहीं है मौसी। लोग मुझे देखने आते हैं, देख के कहते हैं हमें लड़की पसंद नहीं और चले जाते हैं। ऐसे जी छोटा नहीं करते बेटी। देखना, एक दिन विलायत से गोरा गोरा राजकुमार आएगा, तुझे ब्याह करके ले जाएगा। जिस दिन ऐसा हुआ ना, उस दिन मैं तुम्हें घी चक्कर खिलाऊंगी। देवी मैया, तुझे तो मालूम है मेरी माँ बचपन में ही मर गई। तब से मैंने तुझे ही अपनी माँ माना है। तू कैसी माँ है? तुझे अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं दिखाई देते? सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती है कि मैं बदसूरत हूँ, इसके लिए मुझसे कोई शादी नहीं करता। आज मुझे कुछ लोग देखने आ रहे हैं, मेरी बेइज्जती मत होने देना माँ। बाबूराम जी, घरवाली के गुजर जाने के बाद आज तक ये घर हमारे बेटी के चंदो ने संभाला है। उसके गुण, उसका स्वभाव ही उसका गहना है। बहन जी, लड़की क्या है? गैया है, गैया। बापू, शरबत यहाँ रख दू? हाँ बेटी रख दे। ठंडा ठंडा शरबत है, जल्दी से पी लो, नहीं तो गर्म हो जाएगा। बापू, तुम परेशान क्यों होते हो?
वो लोग चले गए तो जाने दो। शायद भगवान भी नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। बेटी, मैं चली गई तो तुम्हारे खाने पीने का क्या होगा? इस घर की देखभाल कौन करेगा? मुझे शादी नहीं करनी बाबू। ऐसा नहीं कहते। अरे पगली, बेटी तो होती ही पराया धन है। देख, तेरे साथ की कितनी लड़कियों के ब्याह हो गए, दो दो बार तू अपने महके आकर चली गई। मैंने बहुत सी बारातों में खाना खाया है बेटी। मेरा जी चाहता है मेरे आंगन में शहनाई बजे, मैं भी गांव वालों को दावत दूं, मैं भी अपनी बेटी को विदा करूं। अच्छा ये बताओ, मेरे भाग्य में शादी नहीं लिखी हो तो? नहीं बेटे, लड़की के जन्म लेने से पहले ही उसका पति जन्म ले लेता है। बेटे, मैं बनारस काशी विश्वनाथ जी के मंदिर जाऊंगा और वहां तेरे ब्याह के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। सुना बेटे, वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, सबकी इच्छा पूरी होती है। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ, अब मुझसे अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देखे जाते। उसके हाथ पीले हो जाएं, यही आस लेकर मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। ए, अंधा हो गया क्या? देख के नहीं चलता? माफ करना भाई। हाँ? अरे रामलाल, भीमा तू? अरे भीमा। अरे कितने सालों के बाद मिला है? हाँ, बहुत बरसों के बाद मिला है। कैसा है तू? बस ऊपर वाले की कृपा है और ये सब तेरे कारण है। अरे मेरे क्या कारण है यार? अरे हाँ, उस वक्त अगर तूने हिम्मत करके मेरे हक में गवाही नहीं दी होती ना, तो गांव का मुखिया झूठे इल्जाम में मुझे जेल भिजवा देता और मेरी सारी जमीन हड़प कर लेता। आज वही जमीन सोना उगल रही है यार। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भुला सकता। इसमें एहसान की क्या बात है? अरे एहसान है, मेरे दिल से पूछ यार तू। अच्छा और बता, भाभी कैसी है? यार 10 साल हुए तेरी भाभी का स्वर्गवास हो गया। अरे राम 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 राम। अरे बेवकूफ की औलाद, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कहां से बताता तुझे, मैं अपनी परेशानियों में खुद उलझा हुआ था। तेरी भाभी के चले जाने का दुख तो मैं झेल गया, लेकिन वो जो निशानी छोड़ गई है उसका दुख नहीं झेल पा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? मेरी बेटी जवान हो गई है, कब तक उसे घर में बैठा के रखूं? कोई रिश्ता भी नहीं जुड़ पा रहा है, इसीलिए काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में माथा टेकने चला आया। शायद इनके आशीर्वाद से मेरी और मेरी बेटी चंदों की परेशानियां दूर हो जाएं। अरे तो इसमें परेशानी कैसी? समझ ले कि भगवान ने तेरी सुन ली, आते महीने तेरी बेटी की शादी पक्की। क्या? अबे ऐसे हैरान होकर क्या देख रहा है तू? क्या समझता है कि तू बेटी पैदा कर सकता है तो मैं बेटा पैदा नहीं कर सकता? अगले महीने मेरे बेटे किशन और तेरी बेटी चंदो की शादी धूमधाम से होगी। पर भीम, ये शादी ब्याह का मामला है, अपने बेटे से तो पूछ ले। अरे उस उल्लू के पट्टे से क्या पूछना है? मैं उसे कहूँ खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाएगा, मैं कहूँ बैठ जा तो बैठ जाएगा। इस फरमा बरदारी से पाला मैंने उसे। लेकिन एक बार किशन को लड़की तो देख लेने दे। फिर वही बात। अरे उसे देखने की क्या जरूरत है? भीम सिंह ने तेरी दोस्ती देखी है मेरे यार। अगर उस वक्त तूने मेरी उस मुकदमे में मदद ना की होती ना, तो मेरी शादी कहां से होती? और शादी नहीं होती तो ये उल्लू का पट्टा किशन कहां से पैदा होता? और फिर दोस्त की बेटी छोड़कर पराए की चौखट पर बहू ढूंढने क्यों जाऊं? वो तो सब ठीक है, लेकिन बकवास बंद कर यार। ठाकुर की जुबान पर विश्वास नहीं है क्या? आज इस पवित्र स्थान पर भगवान को साक्षी मानकर मैं अपने बेटे और तुम्हारी बेटी की सगाई पक्की करता हूँ। ले भगवान का प्रसाद खा ले थोड़ा सा। ले मुंह खोल, आज से मेरा संधि। भाई। हेलो। मॉर्निंग। हेलो किशन जी। हाँ मैं टाइम पर हूँ। सलाम अलैकुम। हाय। हाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कल्पना। सर,
जैसा आपने कहा था 200 कैसेट्स लखनऊ भेज दिए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। मिस्टर किशन, आज आपको साथ लिए बगैर मैं घर नहीं जाऊंगी। माँ ने अल्टीमेटम दे दिया है, किशन साहब को साथ लेकर आना। साहब, आज आपको मेरे घर चाय पीने चलना ही पड़ेगा। जरूर चलता, लेकिन वो क्या है कि मेरे मामा के चाचे की भाई की बहन की शादी है, इसलिए फिर कभी जरूर आना। हाँ हाँ, जरूर आऊंगा। अरे किशन तो बड़ा लकी है यार। हाँ यार, सारी लड़कियाँ उसी पे लाइन मारती हैं। उसका तो नसीब है बाबा। एक्सक्यूज मी। यस लक्ष्मी। इडियट। लो, दूसरी भी पहुंच गई। अबे दूसरी क्या, अभी देखना तीसरी भी जाएगी। मिस्टर किशन। यस। मैं कल्पना को अच्छी तरह जानती हूँ, उसकी बातों में मत आना, बड़ी चालाक है। अच्छा। हाँ, मैं आपको अपना दोस्त समझती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। थैंक यू लक्ष्मी। कभी मुझे भी थैंक यू कहने का मौका दीजिए ना। चंद्रलोक में बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, चलिए साथ देखते हैं, शाम अच्छी गुजर जाएगी। हाँ वो तो है, लेकिन क्या है कि मुझे आज डॉक्टर के पास जाना है, अपनी आंखों का टेस्ट करवाना है, इसलिए मैं समझता हूँ कि फिर कभी। ओके, जरूर आएंगे ना। हाँ जरूर आऊंगा। देखा कैसी लड़कियां गिरी पड़ रही थी। अरे लो आ गया अपना यार। आओ आओ मेरे किशन के भैया, बैठ यार। अरे भाई, इनकी तो गोपियां ही गोपियां हैं। हाँ भाई, एक चाय भेजना दोस्त। अरे भाई, हमने स्वयंवर के बारे में तो सुना था, लेकिन यहाँ स्वयं वधू हो रहा है, बोलो किसके गले में वधू माला डालोगे। छोड़ यार, वो भी कोई लड़की है। क्यों, तुम उन्हें लड़कियां नहीं समझते? तो कैसी अप्सरा चाहिए भाई तुम्हें? कैसी अप्सरा चाहिए मुझे? वो अप्सरा जानते हो कैसी होगी? रख लो। पाया लागू। जयराम जी की मंगलू क्या हाल है? राम राम भैया। अरे ओ गंगा। ओ माँ। माँ। जीते रहो। कैसी है माँ? अच्छी हूँ। अचानक मुझे क्यों बुलाया? और बाहर तैयारी हो रही है, कोई पूजा है? नहीं, फिर? शादी की तैयारी हो रही है। शादी? किसकी शादी? तेरी शादी। मेरी शादी? और नहीं तो क्या, तेरे बाप की शादी। लेकिन पिताजी, लड़की कौन है? मेरे जिगरी दोस्त की लड़की है। वो तो ठीक है, एकदम सुशील और घरेलू है, चौका चूल्हा झाड़ू भारी लीपा पोती सब जानती है। मगर लड़की देखे बिना मैम। क्या, लड़की देखे बिना? अबे उल्लू के पट्टे, मेरे दादा ने मेरी दादी को नहीं देखा, मेरे बाप ने मेरी माँ को नहीं देखा, और मैंने तेरी माँ को नहीं देखा। हमारे खानदान में शादी से पहले लड़की देखने का रिवाज नहीं है। मगर पिताजी, वो बस बनकर और कुछ पूछना है तो अपनी माँ से पूछ। सीताराम। माँ, what's all this bloody nonsense? क्या है रे? मुझसे पूछे बगैर शादी क्यों तय की गई? आप लोग समझते क्या मुझे, मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ? मेरी भी पसंद नापसंद है, मुझे कब कहाँ और किससे शादी करनी है इसका फैसला मैं करूँगा, सिर्फ मैं। वाह बेटा, चार पैसे क्या कमाने लग गया, माँ बाप को अकड़ दिखाने लगा। तेरे बाप को पता चल गया ना तो तेरी ऐसी की तैसी कर देंगे। कुछ भी हो, मैं लड़की जरूर देखूंगा, लड़की देखने के बाद ही शादी होगी। अरे बेटा, उसका बाप 80 तोले सोना दे रहा है। मुझे परवाह नहीं। 15 एकड़ जमीन उसके नाम पे कर दी है। अरे बाबा, मुझे सोना जमीन नहीं चाहिए, मुझे अपनी पसंद की लड़की चाहिए, अंडरस्टैंड, अपनी पसंद की। मेरा मगज मत खा, जो कुछ कहना अपने बाप से जाके कह। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, ना मैं ये शादी करूंगा ना मैं यहाँ रहूंगा, मैं अभी इसी वक्त इलाहाबाद जा रहा हूँ। हराम खोर हो तुम लोग, सब काम चोर हो, जाओ जल्दी बुला के लाओ उसे। कहाँ जा रहा? मैं वापस इलाहाबाद जा रहा हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी? शादी तो तेरे अच्छे भी करेंगे, तेरे जैसे कितने सिरफिरों के दिमाग ठिकाने लगा दिए मैंने, एक कदम आगे बढ़ा के तो देख, हाथ पांव तोड़ के रख दूंगा। कान खोल कर सुन ले, ये शादी होगी और जरूर होगी, जान रख। अरे बरात आ गई, बरात आ गई, बरात आ गई। अरे दीदी, कहाँ जा रही है? दूल्हा देखने के लिए। तुम्हें माँ
शर्म नहीं आती? शादी से पहले दूल्हा देखेगी? दूल्हा मेरा है, चाहे पहले देखो चाहे बाद में। तुम बीच में टांग अड़ाने वाली कौन? अच्छा बाबा, चल बैठ बैठ बैठ, पहले सच तो ले। अरे इतनी देर कैसे लगा दी? ओफो बहन जी, क्या कर रही हो? बरात आ गई, जल्दी से तैयार करो। बापू देखो ना, मौसी मेरे बाल नोच रहे। क्या करूं भैया, इसके बाल सीधे करते करते मेरे हाथ टूट गए। कुत्ते की तुम सीधी हो सकती है मगर इसके बाल नहीं होते। अरे जो कुछ करना जल्दी करो बहन जी, समय हो गया है। अरे जल्दी करो। पकड़, चल चलो। ओम गजाननम भूत गणादि सेवतम कपित्थ जंभु फल चारु भक्षणम उमाकुलम को मंगल सूत्र पहनाइए। रुक बैठे, पहना।